Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, classwork. How are you, boys and girls? This is your classwork of English grammar. So please open your notebook. Write beautifully, classwork. Day is Monday, date 27 July 2020. Its subject English B means English grammar. Class 4th, think class rose. Today we are going to write a story, and story name is The Shepherd Boy and the Wolf. ठीक है? शेफर्ड बॉय मीन्स भेड़ बकरियाँ चराने वाला जो लड़का होता है, जिसके पास भेड़ बकरियाँ होती हैं, एंड द वॉल्फ और भेड़िया. ठीक है, अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इस स्टोरी में है क्या. वंस, एक मरतबा, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था. ही हैड मैनी शीप, उसके पास कई ज़्यादा भेड़ें थी. ही यूज़ टू टेक डैम टू एन ओपन ग्रासी लैंड, वो उन्हें अक्सर जो है वो घास वाली जो जगह होती है वहाँ पर खुली जगह पर लेकर जाता. वन डे ही शाउटेड विद अ वेरी लाउड वॉइस, एक दिन वो एक बहुत ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया भेड़िया. द विलेजर्स केम रनिंग टू हेल्प हिम, गाँव वाले जो है वो दौड़ते भागते हुए आए उसकी मदद के लिए. दे बिकेम एंग्री, वो गाँव वाले बहुत गुस्सा हुए. वैन दे फाउंड नो वॉल्फ, जब उन्हें कोई भी भेड़िया नज़र नहीं आया. यानी यहाँ तक का ये मतलब है कि वो जो लड़का था उसकी माइंड में एक बात आई, एक कि मैं किसी तरह से जो है एक मजाक करता हूँ यहाँ के लोगों के साथ कि भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, तो कोई भी भेड़िया नहीं होगा तो गाँव वाले वापस चले जाएँगे. मीन्स के वो जो है एक किस्म की शरारत उसके माइंड में आई. ठीक है, तो वन डे, एक दिन, अ वॉल्फ एक्चुअली केम, एक भेड़िया वाकई में वहाँ पर आ गया. द बॉय शाउटेड, लड़का चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, वॉल्फ भेड़िया, बट नो वन केम टू हिज हेल्प, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया. द वॉल्फ किल्ड सम ऑफ हिज शीप, जो भेड़िया था उसने उसकी कुछ भेड़ों को खा भी लिया. मॉरल लेसन, इस सबक से हमें, स्टोरी से हमें क्या सबक हासिल होता है, यही कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोले. यानी इस लड़के ने झूठ बोला, मजाक किया, तो वो मजाक उसी को महंगा पड़ गया, उसकी कई ज़्यादा जो भेड़े हैं वो भेड़िया जो है वो उसकी भेड़ों को खा गया. ठीक है, सो दिस इज योर क्लास फॉर फ्राइडे एंड सेंड मी योर होमवर्क. थैंक यू.